मॉर्निंग बच्चों। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है? तो आज हम असल स्टडी विद असल ग्रो के साथ क्लास फर्स्ट का हिंदी का सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, यानी थर्ड चैप्टर। यूनिट टू में ही फर्स्ट चैप्टर है, अगर आप इसको वैसे करें तो थर्ड चैप्टर होगा ये, ओके? तो यूनिट टू का फर्स्ट चैप्टर है आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद। आफ्टर अ बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। अब इसमें एक लड़का है, ये कह रहा है कि मैं अपने नहाने के बाद मैं अपने आप को पोछने की, यानी अपने आप को जब पोछते हो तो अपने आप को सुखाने के लिए पोछते हैं शरीर को अपने टावल से। तो ये कह रहा है कि मैं अपने शरीर को टावल से बहुत पोछता हूँ। ट्राई मतलब कोशिश करना, ओके? तो अपने टावल को अपने शरीर पोछने बहुत कोशिश करता है तब तक जब तक ये सूख ना जाए एकदम से। हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। अब कह रहा है हम लोग को अपने हाथ पोछना होता है, फिंगर्स पोछने होते हैं, हाथ की उंगलियाँ, पैर की उंगलियाँ पोछनी होती है, दो पैर पोछने होते हैं, लेग्स एंड एक वन शाइनी नोज। मैं हम लोग को थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, ज़्यादा पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, पूरा डिस्क्रिप्शन देने लग गया तो पोएम बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि हम लोग ज़्यादातर ये पोछते हैं। हमें ज़्यादा अपना हाथ पोछते हैं, पैर पोछते हैं, पेट पोछते हैं, मुँह पोछते हैं बस। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई हैड टेक इफ आई वर डॉग एंड कुड शेक शेक शेक। अब ये कह रहा है कि सोचो अगर हम लोग कुत्ते होते, डॉग होते हैं, तो हम लोग कितने जल्दी सूख जाते हैं। क्या आपने देखा, डॉग जब सूख नहाते हैं तो अपने आप बॉडी वो शेक कर लेते हैं और सूख जाते हैं वो लोग। मतलब अपनी बॉडी से वो कितनी जल्दी अपने बॉडी से शेक करके अपने बॉडी में जितने पानी होता है वो डिस्पर्स कर देते हैं, मतलब अपने बॉडी से पानी निकाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक फ़ोटो भी बनी हुई है, ये देखिए देखिए आपको। तो इसमें वही चीज़ है कि इसमें बता रहे कि डॉग कितनी जल्दी शेक करके अपने बॉडी को सुखा लेता है। अब न्यू वर्ड्स, डॉग हाउ मेट ट्राई टू। अब डॉग मतलब कुत्ता, हाउ मतलब कैसे, मेट मतलब मिलना, ओके, ट्राई मतलब कोशिश करना, टू मतलब दो। अब लेट्स रीड, I try to save water. I have two ears, two legs and 10 toes and one nose. अब कह रहे हैं इसने पानी बचाने की बहुत कोशिश की, इसके पास दो कान हैं, दो पैर हैं, 10 पैर की उंगली है और एक नोज है। आपके पास भी है ना? चलो आगे देखते हैं। Let's talk. Do you like to have a bath? Say why. वैसे पूछ रहे क्वेश्चन कि आपको नहाना अच्छा लगता है, अगर हाँ तो क्यों। आप देखिए, आपको भी गर्मियों में नहा के भी खेल के आते हैं, आपके शरीर पूरा पसीना पसीना आता है। अगर उसको नहा अच्छे तरह ठंडा ठंडा पानी से, आपको इतना फ्रेश फील होता है ना, तो इसलिए मेरे को नहाना अच्छा लगता है कि हम लोग फ्रेश फील करते हैं, ओके? कैन यू बाथ योरसेल्फ? क्या आप अपने आप से नहा सकते हो? मैं तो नहा सकती हूँ, आप बताना नहा सकते हो कि नहीं कमेंट में, ओके? हाउ यू ड्राई योरसेल्फ? आप पूछ रहे कि अपने आप को ड्राई कैसे करते हो आप लोग। मैं अपने आपको टावल से रब करती हूँ। Have you seen an animal drying itself? अभी उसे आपने किसी एनिमल को अपना उन खुद को सुखाते हुए देखा है? मैंने देखा है, मैंने पैरट्स को देखा है, मतलब बर्ड्स को देखा है, डॉग्स, कैट्स और बहुत से एनिमल्स को देखा है मैंने। Put a circle around what you do after bath. Throw the wet towel on the floor, hang the wet towel to dry. अब इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आप बताना क्या आप क्या करते हो नहाने के बाद। आपका जो शरीर पोछते हो, बॉडी अपनी रब करते हो सुखाने के लिए, तो एक टावल यूज़ करते हो, तो टावल आप वो गीला टावल हो टावल गीला हो जाता है, तो गीला टावल आप ज़मीन फेंक देते हो कि सुखाने के डाल देते हो? बताओ। मैं वो टावल में ड्राई करने के लिए धूप में दे देती हूँ कि वो सूख जाए, उसमें स्मेल ना आए। और कभी आपको थ्रो कोई वेट कोई आपका कपड़े कोई वेट हो तो उसको आपको थोड़ा सुखाने को दे देना चाहिए, क्योंकि अगर उसको आप किसी तरह फेंक कर कोई तो वो कपड़ा ख़राब हो जाता है, उसमें स्मेल बहुत आती है। आपने देखते हो गर्मियों में जब आप सॉक्स पहनते हो, शूज़ एंड सॉक्स, तो आपके सॉक्स में कितनी स्मेल आती है ना, क्योंकि वो पसीने में तो बंद था इतनी देर, है ना, क्या फैला नहीं था। तो इसलिए वैसे अगर आप किसी भी कपड़े भीगा होता है तो उसको हमें सुखा धूप पे फैला दो, उसको कभी किसी जगह फेंक के मतलब बहुत बदबू आएगी। अब रिडल टाइम, इसमें आपको तीन चीज़ दी बताई जाएगी, उस बता आपको क्या क्या चीज़ है। आई हैव टीथ सो शार्प बट आई नेवर बाइट, वॉट एम आई? इसमें आपको पहली है ये बता रहा है कि मेरे टीथ जो है दांत बहुत नुकीला दांत है, मैं किसी को काटता नहीं हूँ, बताओ क्या चीज़ है। मैं सोच रही हूँ ये होगा एक कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कंगी, एक कंगी होगा,
वियर दिस थिंग्स ड्रॉ लाइन फ्रॉम पिक्चर टू द वर्ल्ड वर्ल्ड। इसमें कुछ फ़ोटोज़ दी गई है, हमें बताना है कि अगर हम लोग ये पिक्चर, हम लोग एक चीज़ पहनते हैं, हम लोग उनको मैच करना है। ओके तो ये पहली चीज़ क्या आई है, ये ट्राउज़र्स है। ट्राउज़र्स कहाँ है, ट्राउज़र्स ही डी पर गया है। क्या है, शूज़, शूज़ ये हमारे एफ पे है। शर्ट, शर्ट ए, सॉक्स बी, कैप सी, बेल्ट ई, राइट। मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, वन हैज़ डन फॉर यू। अब आपने देखा, अपने आपके डेली लाइफ पे देखे होगी बहुत सी चीज़ पेयर्स में आती है ना, मतलब वो चीज़ उनका एक पेयर बना था, उनको आप बनाने का, वो पेयर्स में नहीं हो, उन पेयर बिना पेयर का वो काम भी नहीं कर पाते। देखो जैसे नीडल्स एंड थ्रेड, मतलब नीडल मतलब सुई होती है, थ्रेड मतलब धागा। तो आप देखो सुई धागा से कपड़े सिलते हैं, इनका एक पेयर बना हुआ है ना सुई धागे का, तो वैसे हम लोग को बाकी मैच करना है। बैट का क्या होता है, बॉल, सॉक्स का शूज़, जूते मोजे तो सुना होगा। शर्ट का क्या होगा, शॉर्ट्स होता है। बाउल का स्पून, अब बाउल में कुछ खाते तो बिना चम्मच का तो खा नहीं सकते बाउल में, सही कहा ना। ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड हियर, देन कंप्लीट द सेंटेंस एंड से देम अलाउड। इसमें कह रहा है कि आप यहाँ पे अपने एक फ़ोटो चिपकाओ, अपने एक दोस्त की फ़ोटो चिपकाओ यहाँ पर, और जो सेंटेंस दिया गया है ये आपको कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पे माय नेम इज़, अब यहाँ पे आपको अपना अपना नाम लिखना है, ठीक है, अपनी फ़ोटो चिपकानी है। यहाँ पे माय फ्रेंड नेम इज़, यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिखना है, और जिस दोस्त का नाम लिखा है आपने, उस दोस्त की फ़ोटो चिपकानी है आपको यहाँ पर, किसी और दोस्त की मत चिपकाना फ़ोटो। ओके प्लेस द पार्ट टू फ्लावर्स, अब आपको जो डॉट्स दिए गए डॉट्स को आपको पेंसिल से फॉलो करना है। ये एक्चुअली हमारे आर्ट्स के लिए बहुत होता है कि हम लोग को आर्ट्स में ऐसे शेप बनाने होते हैं। आप भी अगर सेकेंड थर्ड क्लास में जाओगे तो आपको ऐसे शेप्स मिलेंगे आर्ट्स में। ये देखिए थर्ड वाला, ये थर्ड वाला ई टाइप का, ये देखिए आपको लग रहा है ई है, और ये फोर्थ वाला एस है, ये देखिए एस बना, ये एस है, ये देखिए राइट, सही करना मैंने। और बाकी देखते हैं, अभी देखिए इनको ई एफ यहाँ पे आपको सिखा भी रहेगा इसको लिखना कैसा होता है, तो हमको इनको ट्रेस करना, आपको इनको बुक में ही ट्रेस कर लो, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो ट्रेस कर लो, अगर नहीं तो कॉपी में आप इसको बना सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो। मम्मा अपनी मम्मी पापा को बोल दो बना देंगे, वो आपको ट्रेस कर लो, आपको सिर्फ ट्रेस करना होगा। अब यहाँ पे से अलाउड ए बी सी डी ई एफ, अब आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में जी एच आई आएगा, आई होप। सो हमारे चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और आपको इस चैप्टर पी डी एफ फाइल जो लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक भी मिल जाएगा, आप एसएल ग्रुप को डाउनलोड कीजिए एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।